Assalamualaikum, welcome to my kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाइक और शेयर जरूर करें. आज हम बहुत ही सिंपल और मजेदार रेसिपी बना रहे हैं व्हाइट हांडी की. चिकन व्हाइट हांडी है, बहुत ही पसंद की जाती है ये. इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो हमें चाहिए हैं 10 से 12 जो है ये लहसुन के क्लोव्स हैं, 1.5 इंच का टुकड़ा है जिंजर का, ये काटा है मैंने. हरी मिर्चें हैं मेरे पास 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, क्योंकि इसमें जो मिर्च है वो हरी मिर्च और काली मिर्च से आएगी, तो ये आप बैलेंस कर लीजिएगा. फ्रेश क्रीम है मेरे पास टेट्रा पैक की, ये आपको चाहिए 1/4 कप. नमक है अपने जायके के हिसाब से, मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून लिया है. काली मिर्च है 1/2 टीस्पून. गरम मसाला है 1 टीस्पून. कसूरी मेथी है, खुश्क कसूरी मेथी, ये 1 टेबलस्पून है. और 1 ही टेबलस्पून भुना हुआ कुटा मोटा कुटा हुआ धनिया है खुश्क. 1 कप दही है, और साथ ये 2 मीडियम साइज की प्याज हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट के इनको 5 मिनट लिए उबाला है पानी में. इसका पानी भी मैंने 1/4 कप ले लिया है, और ये है प्याज. इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो है सिवाय क्रीम के हम ब्लेंडर में मिक्स करेंगे, और फिर इसमें चिकन हमारी जो है ये 1.5 किलो की पूरी होल चिकन है जिसको हमने कढ़ाई पीस में काट लिया है, इसको मैरिनेट करेंगे हम. ये हमने सबसे पहले प्याज और उनको पानी डाला है इसमें. ये 1 कप दही है. क्रीम छोड़ के बाकी नमक, काली मिर्च. नमक काली मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालें नमक और मिर्च, क्योंकि मैंने बैलेंस करना है मिर्चों को काली मिर्च और हरी मिर्चों के साथ, तो आप अपने जायके के हिसाब से डालें. मैंने 7 हरी मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का डाला है. ये कसूरी मेथी, धनिया, ये अदरक और लहसुन, इस सब को हमने ब्लेंडर में डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर पानी है और दही है, हम इसी में इसको बीट कर लेंगे और इसकी पेस्ट बना लेते हैं. ये अब हम इसको ब्लेंड करेंगे. ये देखिए मैंने बना लिया, इसको पीस लिया है सारा, थोड़ा सा दानेदार रखा है मैंने. अगर आपको बिल्कुल फाइन पसंद है तो आप इसको बिल्कुल फाइन कर सकते हैं, ये वैसे भी गल जाएगा चिकन के साथ. ये हमने सारा डाल दिया. अभी हम अपनी चिकन लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप जब बनाएंगे तो आप अग्री करेंगे मेरे साथ. अभी से ही हालांकि मसाला अभी बिल्कुल कच्चा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है. इसके लिए हम एक कोयला भी गर्म करेंगे, और आखिर में इसको हमने कोयले का धुआं देना है. क्रीम मैंने आपको 1/4 कप टेट्रा पैक की बताई है, जो 200 ग्राम वो मिलीलीटर्स वाले हमारे होते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप 1/2 पैकेट भी डाल सकते हैं. हम घर की फ्रेश क्रीम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो कभी फट जाती है, तो अगर आपको वो पसंद है तो एहतियात से उसको डालिएगा, लेकिन सेफ है कि आप टेट्रा पैक की इस्तेमाल करें. ये देखिए इसको हमने सारा कोट कर दिया है. कोट करके हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर हम इसको कुक करेंगे. ये 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने गरम किया है, इसमें हम इस तरह से 1-1 पीस को डालेंगे. थोड़ा सा चिकन को लाल करेंगे, बाकी मसाला फिर हम बाद में कुक करेंगे. ये देखो
इसको मैंने रखा है इस तरह से, जब कलर आए सारी चिकन को फिर हम पलटेंगे, ठीक है। अभी इसका कलर जैसे चिकन का चेंज होने लगा है, जब इस तरह से सारी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसका पलटेंगे, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही पकाएंगे। फिर इसका जो बकाया मैरिनेशन है, वो इसमें डाल के और इसको दम पे रखेंगे। जब आपकी चिकन का कलर इस तरह चेंज हो जाए तो आपने, और घी पूरा छूट जाए तो आपने ये सारा मैरिनेट इसमें डाल देना है। डाल के और इसको अब हल्की आंच पे रख के आपने इसको दम पे रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट की आप इसको दम पे रखेंगे तो चिकन इसमें में गल जाएगी। और साथ ही हम एक कोयला गरम कर लेते हैं ताकि इसको कोयले का धुआं दे। देखें 5 से 7 मिनट हो गए इसको दम पे पड़े हुए, मसाला इसमें गलना शुरू हो गया है, पानी इसने अपना ही छोड़ दिया, इसी में पक जाएगी है। इसको हम मज़ीद तब तक दम पे रखेंगे जब तक चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। इसको 10 मिनट के लिए और रख देते हैं। ये देखें अब मैंने इसका चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया है, इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें अब इसका पानी भी खुश्क होने लग गया है, घी भी ऊपर आ रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे, मैंने दावतों में बनाया और बहुत वाह समेटी। आप लोग भी बनाइएगा और इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगी। इससे थोड़ा सा इसे मैं हरा धनिया डालूंगी चॉप किया हुआ। और तेज़ आंच पे ही इसका पानी ड्राई करेंगे हम ताकि खुश्क हो जाए। चिकन बहुत ज़्यादा गली नहीं चाहिए कि उसकी बोटियाँ बिल्कुल टूट ना जाएँ, इसी स्टेट पे चाहिए कि उसकी बोटियाँ अपनी जगह रहें लेकिन अच्छे से गली हुई हैं। ये देखिए हम घी ऊपर आ रहा है, इसको इतनी ही आंच पे मैं रखूँगी, हल्की आँच नहीं करूँगी। ये मैंने कोयला पहले से रखा हुआ था गर्म होने के लिए, ये मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इस पर और ये तेज आंच पे ही मैं इसको कोयले का धुआं दे दूंगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद, तो जब मेरा पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये कोयले का धुआं भी हो जाए, ये देखें आप इसमें क्रीम हम ऐड करेंगे। क्रीम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐड करते हैं क्योंकि वो फटे नहीं, और इसको ऐड करके हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। ये देखें क्रीम जितनी आपको 1/4 कप बताई थी ये ऐड करें इसमें, स्टर करें और चूल्हा बंद कर दें। अब इसको सर्व करते हैं। ये आप ऐसे इसको हांडी में सर्व करें, एंड जिसमें आपका लच्छा आता है इसको ऐसे सर्व करें। इसको नान के साथ, रोहनी नान के साथ, घर की चपाती के साथ आप बना के खाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत श्योर हूँ मैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा आप। इसको हम गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ, कटी हुई जूलियन जो है, अदरक है, हरा धनिया है और थोड़ा सा गरम मसाला। ये चिकन हांडी है मेरे अंदाज से, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।